उत्तराखंड में चमोली के जोशी मठ में एक बार फिर ग्लेशियर टूटा है। ये ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया था। इस सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब यहाँ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि करीब 1 दर्जन लोगों को नहीं बचाया जा सका। सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के सुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में थे। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 28 घंटे में चमोली में तेज बारिश के साथ आंधी आ सकती है। इस दौरान यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है। बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल के मुताबिक यहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। ग्लेशियर टूटने का कारण भारी बर्फबारी को माना जा रहा है। हादसे की वजह से जोशीमठ मलारी हाईवे भी बर्फ से ढक गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। इस संबंध में मैंने अलर्ट जारी कर दिया है। मैं निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में हूँ। जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। एनटीपीसी एवं अन्य परियोजनाओं में रात के समय काम रोकने के आदेश दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। फरवरी में आ चुकी है जल प्रलय। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की सुबह 10:30 बजे चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया था। हादसे के बाद 50 से ज्यादा लोगों की लाश मिली थी, जबकि 150 से ऊपर लोग ऐसे थे जिनका हादसे के बाद कोई पता नहीं चल पाया। प्रशासन ने कुछ दिन तक चली खोजबीन के बाद इन्हें मृत मान लिया। नदी में ग्लेशियर गिरने से धौली गंगा पर बन रहा एक बांध बह गया था। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ था। देवभूमि उत्तराखंड में करीब 7.5 साल बाद कुदरती कहर देखने को मिला था। चमोली जिले की कुल आबादी 3,90,000 है। हरा भरा और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा इसकी पहचान है, लेकिन उस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया था। तबाही रैनी गांव के पास शुरू हुई थी। यहां से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और भारत चीन को जोड़ने वाला ब्रिज बहा ले गया। ये ब्रिज एकमात्र जरिया था जिससे हमारे सैनिक चीन बॉर्डर पर पहुंचते थे। ब्रिज टूटने से आसपास के 12 गांवों से कनेक्शन भी टूट गया था।